और दोस्तों, इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी में एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बॉटनी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जीएनटी पीएनटी की 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दोस्तों दो कॉलम दिए हैं, कॉलम वन कॉलम टू, और यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो नेम लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, इनकी हमें सही जोड़ी बनानी है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें यह बताना है। तो चलिए अब इनकी हम सही जोड़ी बनाते हैं। एक्सॉन, यहाँ पर ऑप्शन है नॉन कोडिंग अनुक्रम, नीरेनबर्ग खुराना मेथड, न्यूक्लियोसोम कोडिंग अनुक्रम। जो एक्सॉन होता है इसका संबंध होता है कोडिंग अनुक्रम से। किससे? कोडिंग अनुक्रम से। इंट्रॉन का संबंध होता है नॉन कोडिंग अनुक्रम से। इंट्रॉन का संबंध किससे होता है? नॉन कोडिंग अनुक्रम से। अनुवंशिक कोड का संबंध होता है नीरेनबर्ग खुराना व मेथाई से। ठीक है, अनुवंशिक कोड के बारे में खुराना व मेथाई ने स्टडी की थी, इसका संबंध हो जाएगा नीरेनबर्ग खुराना मेथाई। डीएनए पैकेज का संबंध होता है न्यूक्लियोसोम से। तो पहले का डी, दूसरे का ए और तीसरे का बी और चौथे का सी। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ऐसा ही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर सही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला डी, दूसरे तीसरे बी, चौथा सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है समष्टि वृद्धि दर वक्र में लैग अवस्था आवर्त को प्रदर्शित करती है जब समष्टि नए वातावरण में समायोजित होती है। इन्हें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व द लैग फेस रिप्रेजेंट्स द पीरियड व्हेन ए पॉपुलेशन माइग्रेट्स टू ए न्यू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है समष्टि वृद्धि दर वक्र में वृद्धि अवस्था को न्यूनतम भाग आवर्त को प्रदर्शित करता है जब समष्टि पूर्व चरघातांकी के रूप से वृद्धि करती है। इन्हें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व द स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट्स द पीरियड व्हेन ए पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। अगला ऑप्शन है समष्टि वृद्धि दर वक्र की स्थायी अवस्था में समिष्ट गतिक साम्य होती है। इन द स्टेशनरी फेज ऑफ ए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व द पॉपुलेशन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मनुष्य में पृथ्वी की वहन क्षमता परिवर्तित रहती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव चेंज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हमने देखे, चारों ऑप्शन सही हैं, चारों स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 यह सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बीजाणु में पराग नलिका के प्रवेश पर तंतुरूप उपकरण क्या करता है? ऑप्शन है भ्रूण कोष के भीतर एक से अधिक पराग नलिका को प्रवेश नहीं करने देता है, पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने को दिशा देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा पराग नलिका को सहाय नलिका से अंड में जाने को दिशा देता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रागी किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कैल्शियम। रागी कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है फूलों के भीतर एक लिंगिता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह मैं आपको बता दूं, स्वयुग्मन को किंतु सजात पुष्पी पराकरण को नहीं। फूलों के भीतर एक लिंगिता के पाए जाने से स्वयुग्मन को रुकावट पहुंचती है किंतु सजात पुष्पी पराकरण को नहीं। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के बारे में क्या सही है? वॉट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा
वह मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों सीधे, ठीक है। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेडल ने प्रस्तावित किया, मेडल ने क्या प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है स्वतंत्र अभिवहन, पृथक्करण, सहप्रभाविता, प्रभाविता। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, साइकोनस के मांसल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक संरचनाएं बंद रहती हैं? फलासंक, एकिन, समारा, बेरी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एकिन, ठीक है। साइकोनस के मांसल पुष्पासन के भीतर एकिन बहुसंख्यक संरचनाएं बंद रहती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? युगली, काइनेटोकोर, मध्यवर्ती पट्टी, अच्छ सूत्र। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा युगली, बाय वैलेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस अप्रभावी जीन द्वारा होता है। यदि सी सामान्य बस सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो शिशु के दोनों पैतृक में सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे नहीं हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा पैतृक का जीनोटाइप सीसी बस सीसी हो तो, ठीक है, तो शिशु के दोनों पैतृक में सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, न्यूक्लियस के निम्न चित्र से एबीसी द्वारा प्रदर्शित अवयवी भागों को पहचानें। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीज सुसुप्तता किसके कारण होती है? सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल के कारण बीज सुसुप्तता होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सही जोड़ी हमें बनानी है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों जो थायलोकाइल होता है यह स्ट्रोमा में चपटे झिल्मीय कोश से मैच करेगा, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन से मैच करेगा, ठीक है, और सिस्टर्निन गोल्जी उपकरण के डिस्क नुमा कोश से रिलेटेड है, और क्रोमेटिन डीएनए की संघनित संरचना से रिलेटेड है। तो ए का यहाँ पर तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ए का चौथा, सॉरी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बसा संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और जो गलत स्टेटमेंट है मैं आपको सीधे बता देता हूँ। विषम युग्म जी जीव में सम युग्म जी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है। विषम युग्म जी जीव में सम युग्म जी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है। यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो अन्य तीन स्टेटमेंट हैं यह सही होंगे, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका बीज द्वारा पुनरुत्पादन नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा आलू, आलू का बीज द्वारा पुनः प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चीनी का उत्पादन करने के लिए हरी पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑल ऑफ दी, सूर्य की रोशनी, CO2, पानी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ये सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मोरल ट्रफल, मोरल ट्रफल जो तीसरा ऑप्शन है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है? बर्णांधता, संलग्न रंजकहीनता, हीमोफोलिया। इनमें से कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, सी और डी।
ठीक है, ए सी और डी। बढ़ांतता, लंजाखीनता, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण वृद्धि का वर्णन करती है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना कि कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण विधि का वर्णन करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा भाई, मैं सीधे आपको बताऊंगा। टिड्डे में, टिड्डा यहाँ पर उदाहरण दिया, मैं 107 प्रकार का लिंग गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण विधि का वर्णन करती। टिड्डे में 107 प्रकार का लिंग गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करते। तो जो दूसरा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। यहाँ पर सही उत्तर मैं इसका आपको सीधे बताता हूँ, सभी जीवित वस्तुओं की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किंगडम कवक के लिए नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो दैट करेक्टली अप्लाइज टू द किंगडम फंजाई। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, निश्चित कवक प्रतिजैविकों का प्राकृतिक स्रोत है, ये सभी कुल कवक पादपों के साथ उपयुक्त अंतर संबंध बनाते हैं, कवकीय जीवन चक्र में बीजाणु अवस्था होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन है सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, ए सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वंशा गति क्रिक द्वारा के आणविक आधार की सेंट्रल डोगमा को पूर्ण कीजिए। वंशा गति क्रिक द्वारा के आणविक आधार की सेंट्रल डोगमा को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ए डीएनए, बी एंड एमआरएनए प्रोटीन, डीएनए एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, ए क्या है, प्रतिकृतिकरण, ए प्रतिकृतिकरण, बी अनुलेखन और सी अनुवादन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ए प्रतिकृतिकरण, बी अनुलेखन और सी अनुवादन। अगला ऑप्शन है, कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, काइटिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एबीयू तंत्र में अज्ञात रक्त समूह वाला व्यक्ति दुर्घटना में रक्त कमी से पीड़ित है तथा रक्त स्थानांतरण करना आवश्यक है, उसके एक मित्र के पास रक्त प्रकार का वैध सर्टिफिकेट है, वो बिना देर किए रक्त देना चाहता है, दाता मित्र के रक्त समूह का प्रकार क्या होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा टाइप ओ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण से प्राप्त कुल ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एटीपी। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण से प्राप्त कुल ऊर्जा होती है एटीपी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जब नम ब्रेड को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो ये गीली व काली हो जाती है, क्योंकि वायु में बीजाणु होते हैं। जब नम ब्रेड को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो गीली व काली हो जाती है, क्योंकि वायु में बीजाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरिया। ठीक है, रियो डी जेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, मिनी माटा रोग किसके संदूषक के कारण होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एच जी। ठीक है, एच जी मरकरी। मिनी माटा रोग किसके संदूषक के कारण होता है, मरकरी, एच जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सन लिविंग पौधे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा
हेलियोफाइट, हेलियोफाइट। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।